भारत की आजादी के 75 सुनहरे वर्ष पूरे होने के उत्सव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने गौरवशाली 6 वर्ष मना रही है। PMFBY प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनेक किसान केंद्रित पहल और सुविधाओं से आज करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखें कैसे ये बेमिसाल योजना किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। आसानी से नामांकन के लिए वर्ष 2017 में आधार कार्ड को योजना से जोड़ा गया। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2018 में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते हुए CCE एग्री ऐप को लॉन्च किया गया। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए दावा गणना का फॉर्मूला बदला गया। वर्ष 2019 में 50,000 करोड़ रुपयों के दावों का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया। साथ ही देश के हर कोने से किसानों को योजना से जोड़ने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का लॉन्च हुआ। किसानों के अधिकतम लाभ के लिए वर्ष 2020 में संशोधित PMFBY परिचालन दिशा निर्देशों को लाया गया। किसानों की आजादी का सम्मान करते हुए योजना में भाग लेना स्वैच्छिक हुआ। 2021 में संचालन के 5 वर्ष पूरे करते हुए 34.15 करोड़ किसान आवेदनों की स्वीकृति हुई। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। हमारी सफलता का श्रेय सभी किसानों को जाता है, जिनके समर्थन से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।